हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि बेस्ड हैं आपका फ्रॉक्स पे। फ्रॉक्स से रिलेटेड कुछ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपका जीआईसी लेक्चर और टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रॉक वाई शेप बोन इज, मेढक में वाई के आकार की हड्डी होती है। इसमें आपके फोर ऑप्शन दे रखे हैं, स्क्वेमोजल, टेरेगोइड, पैलेटाइन या क्वाड्रो जुगल। तो आपका इसमें आप जो वाई शेप्ड जो बोन होती है वो होगी आपकी टेरेगॉयड। ये आपका वाई शेप्ड बोन होती है जो क्रेनियम में आपका साइड टू बैक अटैच होती है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेरेगॉयड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका टीजीटी बायोलॉजी में आया है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। इसे पूछा गया है, द रेट ऑफ हार्ट बीट इन फ्रॉग इज, मेढक में हृदय धड़कन की दर होती है। तो जो आपका फ्रॉग्स में जो हार्ट बीट होती है, ह्यूमंस में तो आपका 72 टाइम्स होती है हार्ट बीट, फ्रॉग्स में जो होती है इससे स्लाइटली थोड़ा सा लो होती है। तो इसमें जो आपका फोर ऑप्शन दे रखा है, इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 64 टाइम्स पर मिनट, यानी आपका मेढक का जो दिल है वो एक मिनट में 64 टाइम्स आपका बीट करता है। तो ये होगा इसका राइट आंसर 64। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिजिटल फार्मूला ऑफ फोर लिम्स, हालांकि डिजिटल नहीं होगा, जो डिजिट्स पाई जाती हैं आपका फोर लिम्स में उनकी बात करी गई। मेढक के अग्रपाद में अंगुलास थी, सूत्र होता है जो डिजिट्स होती हैं उनका जो क्या फॉर्मूला होता है। तो आपका जो फ्रॉक्स में जो आपका डिजिट्स होती हैं, ये आपका बात करी गई है फोर लिम्स की। तो इसमें जो फोर लिम्स में आपका स्टार्टिंग में तो कोई लिम्स फुट आपका लिम्स होती नहीं है, तो जो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 02233 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका इसमें आपका ये तो फोर लिम्स का है, और जो हिंड लिम्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 22343, ये आपका फोर लिम्स का फॉर्मूला होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन जायगोट ऑफ फ्रॉग इज, जो आपका फ्रॉग है इसमें आपका डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मेढक के युग्मनज में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 26। ये आपका पीजीटी बायोलॉजी में ये क्वेश्चन आपका आया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राना टिग्रीना बिलोंग्स टू द ऑर्डर, राना टिग्रीना का गढ़ है जो आपका राना टिग्रीना है, ये बिलोंग करता है आपका जो इसमें आपका पूछा गया है ऑर्डर। तो ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एन्यूरा। इसमें जो आपका फाइलम होता है, फाइलम हो जाता है आपका कॉर्डेटा, और जो क्लास हो जाएगी, क्लास हो जाएगी आपका एम्फीबिया, और ऑर्डर आपका हो गया एन्यूरा, जीनस आपका हो जाएगा राना, और स्पीसीज हो जाएगी टिग्रीना। इसमें दे रखा है राना टिग्रीना, तो ये इसका आपका क्लासिफिकेशन होगा, राजस्थान पीजीटी में ये पूछा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन फ्रॉग फोरामेन मैग्नम इज सपोर्टेड बाय, फ्रॉग में जो आपका फोरामेन मैग्नम होता है ये सराउंडेड बाई किससे आपका घिरा रहता है। तो आपका सराउंडेड होता है ये, आपका इसमें फोर ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीपिटल्स ओनली। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बक्कल कैविटी ऑफ फ्रॉग इज लाइन बाई, जो बक्कल कैविटी होती है फ्रॉग की वो लाइंड बाई आपका होती है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलग अलग दे रखे हैं इसमें, स्क्वेमस एपिथेलियम,
ग्लैंडुलर एपिथीलियम, क्यूबॉइडल एपिथीलियम एंड कॉलमनर एपिथीलियम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, कॉलमनर एपिथीलियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्वर्टेड टी शेप्ड पैरास्फेनाइड बोन इज फाउंड। जो इन्वर्टेड टी शेप्ड की जो पैरास्फेनाइड बोन जो होती है वो फाउंड होती है आपका, इसमें फोर ऑप्शन दे रखे हैं, तो फोर ऑप्शन में इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द क्रेनियम ऑफ फ्रॉग। यानी जो आपका वेंट्रल सरफेस होता है फ्रॉग का, उस पर यह आपका पैरास्फेनाइड बोन जो है वो आपका फाउंड होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन फ्रॉग ए नंबर ऑफ इन फ्रॉग द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इज। जो फ्रॉग होती हैं, फ्रॉग में आपका क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, तो इसमें जो आपका फ्रॉग में जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो आपका होती हैं 10 पेयर्स। ये आपका 10 पेयर्स होती हैं। मैमल्स में आपका ये 12 पेयर्स होती हैं, फ्रॉग में आपका आ जाएंगी ये 10 पेयर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द थिन टेकेबल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रॉग स्किन इज कंपोज्ड ऑफ। जो थिन टेचेबल मेम्ब्रेन होती है, जो थिन आपका टेचेबल कवरिंग आपका होती है फ्रॉग स्किन में, वो कंपोज्ड होती है आपका। तो इसमें आपके फोर ऑप्शन दे रखे हैं, कॉलमनर एपिथीलियम, स्क्वेमस एपिथीलियम, सीलेटेड एपिथीलियम या न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरोसेंसरी एपिथीलियम। तो इसमें जो आपका जो थिन टेचेबल मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है, वो आपका होती है आपका ऑप्शन बी, स्क्वेमस एपिथीलियम। नेक्स्ट जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका, डक्टस बोटेलाई इज प्रेजेंट इन। डक्टस बोटेलाई उपस्थित होता है, ये आपका क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ है, पीजीटी 2002 में। तो इसमें आपका जो फोर ऑप्शन दे रखे हैं, राना, स्कुलोडियन, लेपिडोसायरन या आपका सेराटोडस। तो इसमें जो आपका डक्टस बोटेलाई जो होता है वो आपका राना टिक में प्रेजेंट रहता है। ये आपका जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए आवश्यक होता है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फ्रॉक्स पे। आशा करते हैं आपको ये पसंद आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।